ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुनने से पहले आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट क्या है। नेशनली जो कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है ऐप डायल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और जो पद जो डेजिग्नेशन इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। लोकेशन अपनी गुड़गांव बताते हैं ये। आइए जानते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, आपने MBA किया हो यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, या फिर PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हो। अनुभव के तौर पर ये चाहते हैं कि आपके पास 10 से 15 साल का सी स्किल्स में यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज की स्किल्स में एक्सपीरियंस रहे, और साथ ही में आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों। पैकेज को डिस्क्लोज ना करते हुए आपके योग्यता अनुसार ये आपको पैकेज ऑफिस ऑफर करेंगे। आइए जान लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। ऐप डायल @yahoo.com पर आपको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मौजूद। रेणु शर्मा का नंबर हम आपको दे रहे हैं 4771123। फिर से सुनिए नंबर 0895847712। ये नंबर है ज्यादा जानकारी के लिए। दोस्तों विप्रो में एक टेक्निकल सपोर्ट वॉइस की जरूरत है। लोकेशन हमें ये कोलकाता बताते हैं। विप्रो कलकत्ता में जरूरत है टेक्निकल सपोर्ट वॉइस की। आइए जान लेते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया हो, या फिर BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपने किया हो। पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन अनुभव के तौर पर ये चाहते हैं कि या तो आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास 5 साल तक का एक्सपीरियंस रहे। आवेदन कैसे करें, कॉन्टैक्ट कैसे करें। somdatta.chakraborty1@wipro.com पर अपना रिज्यूमे आपको फॉरवर्ड करना है। सारी ईमेल डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। आइए देख लेते हैं कौन सी अगली कंपनी है। अपर्णा कंस्ट्रक्शंस में सेल्स मैनेजर की जरूरत है, मैनेजर की जरूरत है सेल्स डिपार्टमेंट में। लोकेशन फिरोजपुर यानी के हैदराबाद हमें ये बताते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहां पर हैं दर्शकों 05 यानी कि 5 वैकेंसीज इनके पास है। और योग्यता क्वालिफिकेशन के नाम पर आपने MBA किया हो यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, या फिर PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपने किया हो। उम्र आपकी 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट कैसे करें, careers@aparnaconstructions.com। रिज्यूमे और एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पर भेजें और रिज्यूमे और नौकरी हासिल करें। दर्शकों आइए अब जान लेते हैं कि रोजगार समाचार में इंटरनेशनली पहली कंपनी आपको कौन सी ढूंढ रही है। दोस्तों परफेक्ट प्लेसर आपको ढूंढ रहे हैं एक प्लांट फाइनेंस मैनेजर के तौर पर, यानी कि कंपनी परफेक्ट प्लेसर और पद जो वेकेंट है वो है प्लांट फाइनेंस मैनेजर का। लोकेशन अमेरिका USA। योग्यता के नाम पर ये डिमांड करते हैं कि आप CA हो यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और अनुभव के तौर पर 5 साल तक का यानी कि 4 से 5 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस रहे। और की स्किल्स में ये डिमांड करते हैं कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छे हो। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, perfectplacerd@gmail.com ये ईमेल आईडी है, फटाफट रिज्यूमे फॉरवर्ड करें। फोन नंबर भी यहां पर मौजूद है 9873663105। नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फटाफट रिज्यूमे फॉरवर्ड करें और नौकरी को हासिल कीजिए। अगली कंपनी है ट्रू टेक सॉल्यूशंस, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है ओरेकल एब्स DBA यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का। लोकेशन है कतार, और जो योग्यता ये आपसे डिमांड करते हैं आइए जानते हैं। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए हो और साथ ही में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। की स्किल्स के नाम पर ये डिमांड करते हैं कि आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो। ज्यादा जानकारी कहाँ लेनी है, वेबसाइट www.truetechsolutions.in पर जाना है ज्यादा जानकारी लेनी है। और फोन नंबर भी यहाँ पर मौजूद 09080164008। नंबर और वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगली कंपनी जो आपको इंटरनेशनली ढूंढ रही है वो है इंटेली सर्च, और इनके पास जो डेजिग्नेशन आपके लिए वेकेंट है वो है कंट्री मैनेजर का। लोकेशन ये हमें अपनी
रशिया बताते हैं इन्हें कंट्री मैनेजर चाहिए रशिया के लिए, अनुभव 10 से 17 साल का आपसे डिमांड कर रहे हैं, और की स्किल्स के तौर पर ये चाहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी हो, साथ ही में आपकी एक प्रेजेंटेबल और प्लेजेंट पर्सनैलिटी हो। फोन नंबर भी यहां पर है 9341626895। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। आवेदन कैसे करें, ईमेल आईडी यहां पर मौजूद pamesh@intellisearchonline.net। स्पेल चेक के लिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए और फटाफट अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, हम सभी हर बार एक लीडर को देखकर सोचते हैं कि क्यों मैं उनके जैसा नहीं बन सकती या बन सकता। हम सब चाहते हैं कि हम भी किसी ग्रुप के लीडर बने और हम पर भी विश्वास दिखाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा लीडर होता कौन है? आइए सुनते हैं खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। कोई भी टीम एक लीडर के बिना अधूरी रहती है। एक लीडर ही होता है जो पूरी टीम को आगे ले जाकर उसे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। कहते हैं कि लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। हम सब में एक लीडर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी कलम के जरिए भारत में बेहतर लीडर बनाने का सपना देख रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे कि हमारा लीडर कैसा हो। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रोग्राम परेशानियों के बिना सफल नहीं होता, और मैं खुद कई ऐसे प्रोग्राम को संभाल चुका हूं। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने एक लीडर के बारे में इन प्रोग्राम्स के जरिए क्या सीखा है। लीडर के पास एक विजन होता है, वो दूरदर्शी होना चाहिए, उसके बड़े सपने होने चाहिए अपनी टीम को लेकर, उसके अंदर उस सपने को पूरा करने का पैशन होना चाहिए। एक लीडर में हिम्मत होनी चाहिए उस रास्ते पर चलने की जिस पर कोई ना चला हो। वो कभी भी भीड़ चाल वाले रास्तों पर चलकर अपनी और टीम की क्षमता को कम नहीं करता। एक लीडर जानता है कि सफलता और असफलता दोनों जरूरी है। वो सफलता की ओर बढ़ते हुए असफलता को गले लगाने से नहीं डरता। 1979 में मेरा मेरे देश के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हुआ था। हम सब निराश जरूर थे, लेकिन फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मैंने और चेयरमैन ने उस फेलियर की जिम्मेदारी ली और कहा कि हाँ, हम इस साल फेल हुए हैं, लेकिन हम हमारी गलतियों को सुधार कर अगले साल जरूर इस सैटेलाइट लॉन्च में कामयाब होंगे। कई लोगों ने हमारी निंदा की, लेकिन हमने मेहनत की। अगले साल जब हम सफल हुए तो हमने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। एक लीडर जानता है कि हार की जिम्मेदारी उसकी है और जीत का हक उसकी पूरी टीम को है। एक लीडर में बड़े फैसले लेने का साहस होना चाहिए और उसका हर कदम उसकी टीम के सामने एक खुली किताब की तरह साफ होना चाहिए, जिससे उसकी टीम में विश्वास और एकता बनी रहे। हम भले ही मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हों, लेकिन हमें आज भी अपने आप को बेहतर लीडर प्रूफ करने के लिए सच्चाई की जरूरत है। एक लीडर बड़ा सोचकर अपने देश के लिए अपना योगदान देना जानता है। वो पहले कहता है, मैं कर सकता हूँ, फिर आगे बढ़कर कहता है, हम कर सकते हैं, और अंत में विश्वास रखता है कि इंडिया भी कर सकता है। वो अपनी टीम को अपने देश से अलग नहीं समझता। उसकी सोच एक गली में कभी खत्म नहीं होती। तो दर्शकों, आज के रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हम आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में सफल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हमारे शो में हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी आएगा rozgarfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ, और साथ ही में आपको बताएंगे कि पुराने साल के खत्म होने से नया साल आपके लिए किन किन जॉब्स में फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही में बताएंगे एक बॉस कैसे अपनी टीम से बेस्ट टीम वर्क करवा सकता है। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।